एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक काइट फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर, जिसका जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पे अटैच किया हुआ है किसी एक पॉइंट में, और वो पॉइंट इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन उस काइट का 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पता करना है इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, ये मानते हुए कि इसमें इस स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। लेट सी बी पोजिशन ऑफ काइट मान, और उसका जो स्ट्रिंग है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसका नाम हम लोग ए सी रख लिए, और ए पोजिशन पे हमें 60 डिग्री एंगल मिल रहा है, और बी सी मेरा हाइट है जो कि गिवन है 60 मीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं ना। इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, जानते ही है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इसका यूज़ हम लोग यहाँ करेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 60 मीटर गिवन है, 60 अपॉन एच, एच हमें ए सी गिवन नहीं है, एच हमें इसलिए हम लोग ए सी लिख लेते हैं। सो अब साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन ए सी। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी रूट 3 इज इक्वल्स टू 120 मिलेगा। नाउ ए सी इज इक्वल्स टू 120 अपॉन रूट 3, इधर मल्टीप्लीकेशन में था सो इधर डिवीजन में हो जाएगा। नाउ ए सी इज इक्वल्स टू 120 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3। हमने क्या किया, यहाँ रैशनलाइज कर दिए रूट 3 से, रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लीकेशन, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज हम डिनोमिनेटर में रूट नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमें विदाउट रूट लिखना होगा और यहाँ हमें रैशनलाइज करना होगा। सो एसी की वैल्यू हमें मिल गई 120 रूट 3 अपॉन 3, इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 40। सो एसी की वैल्यू आ जाएगी 40 रूट 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 रूट 3 मीटर आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।